पानी में जाना है इसीलिए मैंने जूती उतार दी है। लेट्स गो लिटर रिवर। ठंडा पानी है, बहुत बिल्कुल क्लीन है, जैसे एकदम नीचे सब कुछ दिख रहा है, इट्स दैट क्लीन। बहुत ज़्यादा ठंडा है। बेताब वैली में कुछ भैया इस तरीके के शॉल्स स्टोल्स सेल कर रहे थे। ये स्टोल हमें बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगी, तो ये मेरे हस्बैंड के ऊपर कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा स्मार्ट लगा। बेताब वैली से निकलकर हम पहलगाम अपने होटल जा रहे थे, लेकिन रास्ते में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक मिली हमें। लेकिन कश्मीर का ट्रैफिक थोड़ा अलग है, क्योंकि चारों ओर इतनी खूबसूरती है कि देखते देखते कब टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता। बाय द वे, हमने एक ही दिन पर पूरा पहलगाम घूमा है। सुबह 9 बजे हम गए बाइसरन वैली, 12 बजे वापस आए, एंड देन हम गए आरू वैली, एंड देन चंदनवारी, और लास्ट में बेताब वैली। उसके बाद हम होटल जाकर अभी शॉपिंग के लिए निकलेंगे, क्योंकि सुना है कश्मीरी चीजें अगर आपको लेनी है, शॉल्स से लेकर स्टोल्स तक, सब आपको पहलगाम में बेस्ट मिलती है। इसीलिए हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। जब हम होटल वापस आए तो होटल के सामने जो लॉन है वहाँ पे हमें दो भैया मिल गए, जिन्होंने काफी रिक्वेस्ट किया उनसे कुछ खरीदने के लिए। तो हमने उनका कलेक्शन देखा और उनसे एक चीज खरीद लिया। सो हम लोग घूम कर आ चुके हैं और बाहर ना अभी मार्केट वगैरह सब लगा है। निकलेंगे अभी, वही एक्सप्लोर करने हम लोग निकलेंगे, यहाँ की लोकल फूड, यहाँ का लोकल कपड़ा, सब कुछ। व्लॉग पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर पहलगाम, लोकल फूड, लोकल ड्रेसेस एंड एवरीथिंग लोकल। सबसे पहले हमें खरीदना था कहवा मसाला, इसीलिए होटल के साइड वाले रास्ते में ही हम घूम रहे थे कहवा मसाला खरीदने के लिए। क्या हो बनो, आपके यहाँ पर तावा का मसाला मिलेगा? तावा पाउडर है हमारे पाउडर तो नहीं, मसाला उसी को बोलते हैं, उसी को बोलते हैं। तो उसको गर्म पानी में मिक्स करना है, गर्म पानी में एक चम्मच डाल के पीना है। ये शॉप होटल के बिल्कुल साइड में था, इसीलिए सोचा कि बाद में हम यहाँ से खरीद सकते हैं, पहले हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी हमें खरीदना है वो सब खरीद लेते हैं। हमारा होटल पहलगाम मेन मार्केट एरिया में है और सामने ही है टैक्सी स्टैंड, जिसके साइड वाले रास्ते पर बहुत सारे शॉप्स हैं और ये सारे स्टॉल्स लगी हुई है स्ट्रीट पर। भैया जैकेट कितना है? 700। साइज कितना है उसका? आपके साइज का है, कलर भी मिल जाएंगे। ले लो स्वेटर, ले लो 100 रुपया, 100 रुपया इधर लग गया, इधर लग गया, इधर लग गया भयो, 300 रुपया, 300 रुपया है। 100 रुपए, 300 रुपए, 500, 700 रुपए में आपको अच्छे खासे जैकेट्स एंड स्वेटर्स मिल जाएंगे यहाँ पे। लेकिन दूर से ये देखने में अच्छा लग रहा था, जब हम लोग ठीक से देख रहे थे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया हमें, इसीलिए हमने कुछ भी नहीं लिया। लेकिन यहाँ के जो स्टॉल्स है, शॉल्स है, वो काफी अच्छे है। सिर्फ वुलन आइटम्स ही नहीं, इस मार्केट में आपको मिलेगी गिफ्ट आइटम्स। हमने एक शॉपिंग तो कर ली है, कलर पसंद कर लो। कितने का है? कितने का प्राइस? आप कलर पसंद? नहीं नहीं, पहले आप प्राइस बताइए, रेट बन जाएगा, आप टेंशन मत लो। इस भैया के पास अच्छे खासे जैकेट्स थे और मुझे तूश का चादर लेना था, लेकिन वो बहुत महंगा आता है, उनके पास तूश के जैकेट थे। लेकिन ये साइज हमें छोटा लगा और उनके पास बड़ा साइज नहीं था, इसलिए सो अनफॉर्चुनेटली ये हम नहीं ले पाए, लेकिन क्वालिटी बहुत ही अच्छा था। घर वालों के लिए हमें पश्मीना और काफी सारे शॉल्स खरीदने थे और उसी रोड पे बड़े बड़े शॉप्स भी थे, तो हम एक शॉप पर गए। हाफ स्वेटर, नहीं नहीं लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए, लड़कों के लिए हाफ स्वेटर,
किसके लिए? आपके लिए? नहीं 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 कबाब इधर मिलेगा, बढ़िया वैरायटी भरा इधर। अगर आपने मेरा कश्मीर का पहला व्लॉग देखा है तो आपको पता है ये चिकन कबाब कितना टेस्टी है और इसका प्राइस क्या है। कबाब के साथ रोटी, चटनी सब कॉम्बो में मिलता है। और इस कबाब वाले भैया के साथ हमारी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, तो उन्होंने हमें सीख से ही खाने को दिया और देखिए कितना जूसी है ये। फिर हमें ड्राई फ्रूट्स खरीदने जाना था, तो उन भैया ने ही हमें कहा कि ये है सबसे ज्यादा अच्छा ड्राई फ्रूट की दुकान यहाँ पे, और होलसेल रेट में आपको यहाँ पे ड्राई फ्रूट मिल जाएगी। पैम्पोर में जब हम लोग केसर खरीदने रुके थे तो वहाँ के दुकान वाले भैया ने हमें कहा था कि कश्मीरी जो ओरिजिनल आमंड्स होते हैं उनको जब हम लोग इस तरह से प्रेस करते हैं तो तेल निकलता है हल्का सा, तो वही हम यहाँ पे चेक कर रहे थे कि तेल निकलता है कि नहीं। टेस्ट सेम ही आता है। ये कितने का पड़ेगा? एक ही अखरोट में निकलता है ना, कोई 10 पीस अखरोट तोड़ो 2 पीस व्हाइट गिरी निकलेगा, 2 में 8 में कलर कम होता है, बस उसके वजह से रेट कम ज्यादा। कितने का पड़ेगा? 750 दे दो सर। कितना केजी लेना? हम ज्यादा बताते नहीं, हमारे यहाँ सबसे बेस्ट बात है कि यहाँ पे वैरायटीज ऑफ अखरोट थे, तो हमने टेस्ट भी किया और वो लोग ना टेस्ट भी करने देते हैं, जितना मर्जी आप टेस्ट करो उसके बाद ही आप खरीदो। ब्लूबेरी भी है क्या? ये है क्रैनबेरी जो हमने कभी नहीं खाया था, इसीलिए टेस्ट किया। क्रैनबेरी जैसा पानी डाला ना, 2 कप पानी 2 चम्मच डालोगे इसमें से 5 मिनट उबालोगे, रेडी है शक्कर वगैरह इनको लोड़े। केवा मसाला पाउडर भी हमें मिल गया, भैया ने बताया कि किस तरह से उसे हमें बनाना है घर पे, उसके अंदर शक्कर वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है, और शुगर पेशेंट्स के लिए शुगर फ्री केवा भी था। ये कितने का है? ये आधा किलो 600, 1 किलो 1200। अतर कितने का है? छोटा नहीं है इसमें? ये छोटा ही है अतर। इसको हमने तो यहाँ से खूब शॉपिंग किया, 2-3 केजी आमंड्स, वॉलनट्स, ब्लैकबेरीज खरीदा और कश्मीरी केवा मसाला भी खरीदा, और मुझे दिख गया अतर जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ट्राई किया इनके फ्रेग्रेंसेस कैसे हैं। सिर्फ 2 ही वेरिएंट्स अतर के थे, एक केसर का था, तो मुझे दोनों का ही फ्रेग्रेंस अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने नहीं लिया। ब्लूबेरी हीमोग्लोबिन के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, हीमोग्लोबिन के लिए अच्छा है, खून बढ़ाता है। भैया ने हमें ब्लूबेरी भी टेस्ट करने के लिए दिया और टेस्ट करने के बाद मुझे वो काफी अच्छा लगा, एकदम खट्टा मीठा, और उसके बहुत सारे फायदे भी है, जैसे हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, स्किन के लिए अच्छा है। ये क्या है? खजूर? खजूर है, छोटा 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 का, इधर का लोकल, ये सोदी का है। भैया के दुकान से हमने बहुत सारी शॉपिंग किया और उनसे बात करके भी अच्छा लगा, और ये भी जानकारी हमें मिली कि वो ऑनलाइन भी भेजते हैं, सबको पता चल जाएगा। हमने खाया था ना, इसको फेंकने दो। आप ये सब ऑनलाइन भी भेजते हैं? हाँ सर, हाँ सर, पूरा ऑल इंडिया हमारा ऑनलाइन, जो भी कस्टमर फोन करेगा यहाँ से हम लोग उनको ऑनलाइन भेजते, कुछ भी आइटम, अखरोट, बादाम, पिस्ता, केसर, सब जितने भी आल ड्राई फ्रूट हमारे पास है ये हम भेजते रहते हैं। ऑनलाइन ऑनली 4 डेज में आपको मिल जाएगा, पर केजी आपको 45 रुपीज चार्जेस लगेगा, डिलीवरी चार्जेस, और एडवांस में कोई पैसा नहीं देना है आपको, माल मिलने के बाद आपको पेमेंट देना, कोई पेमेंट नहीं एडवांस। मिनिमम कितना? मिनिमम 3 किलो 4 किलो जो भी आपका ऑर्डर होगा वो आपको मिल जाएगा, और माल मिलने के बाद आपको GPO वगैरह पेमेंट करना है, एडवांस में कोई पेमेंट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया।
और फोन नंबर इधर है, फोन नंबर हमारा 8082165266। ये आपका फ्रेंड सर्कल रिलेशन में होगा, उनको भी बता दीजिएगा। पहलगाम में वानी ड्राई फ्रूट्स यहाँ का फेमस है, ये होलसेल रेट है हमारे। ठीक है, ओके थैंक यू। आपका शुभ नाम? सामीउल इस्लाम। सामीउल इस्लाम, ताहिर भाई मेरा नाम। आपका घर किधर है? पहलगाम। पहलगाम हमारा घर पहलगाम में, मेरा महाराष्ट्र में भी दुकान है, वहाँ हम 6 महीने संभालते है। हर का 6 महीने तो हम लोग महाराष्ट्र में मुकीम होता है, जब वहाँ गर्मी होता है यहाँ गर्मी। यहाँ पर जो बाबा एंड कंपनी कह के दुकान है ना, बाबा एंड कंपनी, हाँ हाँ जी जी, वो हमारा घर है बरहमपुर कलकत्ता में। कलकत्ता बाहर, कलकत्ता से थोड़ा जाना पड़ता है, वहाँ बेचता होगा शाल बेचने के लिए। हाँ। उसका विंटर्स में जाते हैं, विंटर्स में हम लोग विंटर्स में महाराष्ट्र जाते हैं, और बाकी दिसंबर में जो भी यहाँ टूरिस्ट आते हैं इस टाइम यही पहलगाम में ही संभालते हैं। ठीक है मिलेंगे। अब लोकल कश्मीरी खाना खाना था डिनर में, जो कबाब वाले भैया थे नसीर भाई, उन्होंने हमें रेकमेंड किया था ये रेस्टोरेंट, तो हम वहाँ पे गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खाना तब तक खत्म हो चुका था उधर। यहाँ पे आसिफ भाई कौन है? आसिफ भाई गुलाम मोहम्मद का दुकान है। अच्छा, वो नसीर जो रुचि वाले होटल के सामने जो कबाब वगैरह सब बेचते हैं ना नसीर, उन्होंने हमें इधर आने के लिए बोला, खाना तो अच्छा खाना इसीलिए उन्होंने बोला। वहाँ पे खाना खत्म हो गया था, इसीलिए हम अपने यूजुअल भात रेस्टोरेंट पे गए, जहाँ पे हम पहले खाए थे। कश्मीरी लोग सिर्फ चावल खाते हैं, भात खाते हैं, लेकिन हमें खाना था रात को रोटी। तो ये अंकल, उन्होंने ट्राई भी किया रोटी मैनेज करने की, लेकिन कहीं पे रोटी नहीं मिली क्योंकि रात भी हो चुकी थी बहुत ज्यादा, तो हमने भात ही खा लिया, गरम गरम चावल उसके साथ प्याज की चटनी और मटन, क्योंकि जो मटन थाली है वो 120 रुपीस का है। आपने अगर मेरे प्रीवियस व्लॉग को देखा है तो आपको पता है ये पीस बहुत छोटा है। छोटा है? हाँ। इधर लाओ, हम बड़ा देगा। और ये लोग बड़े स्वीट थे, बहुत सारी बातें की और फिर खुदा हाफिज बोलकर होटल वापस आ गए। कल हम जा रहे हैं गुलमर्ग, सो नेक्स्ट व्लॉग मिस मत करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।